हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही यम्मी और आसानी से बन जाने वाली चावल की खीर। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए आपको बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी बासमती चावल। चावल को हमने करीब 20 मिनट भिगो लिया था और पानी से निकाल लिया, तो एक कटोरी बासमती चावल। आप कोई और चावल भी ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए एक कटोरी शक्कर, 2-3 टेबलस्पून घी, और चाहिए हमें थोड़े सूखे मेवे। यहाँ लिया है हमने काजू बादाम और पिस्ता, और चाहिए हमें हरी इलायची, 3-4 हरी इलायची ले ली है, और साथ ही 1 लीटर दूध। तो ये सारी सामग्री चाहिए। तो इतनी जरा सी सामग्री में भी बहुत टेस्टी खीर आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम दूध गरम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चावल की खीर आप कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, बस चाहिए शक्कर, दूध और चावल और थोड़े से सूखे मेवे। चावल आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही यूज़ कर सकते हैं। तो दूध गरम हो गया है, अब हम कढ़ाई में मेवे भून लेते हैं। मेवे भूनते समय थोड़ा सा इसमें घी भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सौंधी सुगंध आती है। तो इन मेवों को बढ़िया क्रिस्पी होते तक हमने भून लिया और अलग कर लिया। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल देते हैं, और ये जो चावल है जिसको हमने भिगो कर रखा था, इसे करीब 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक हमें इसे भूनना है। इससे चावल भी बहुत अच्छे खुशबूदार हो जाते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत महीन नहीं पीसना है, बस दरदरा हमें इसे पीस लेना है। तो इसे ग्राइंडर में हम इसे पीस कर पाउडर बना लेंगे। तो ये चावलों को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो आइए बनाते खीर। कढ़ाई में दूध डाल देंगे। ये दूध हमने पहले से गर्म करके रखा है, तो इसे गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये दूध हम कढ़ाई में डाल देते हैं। देखिए, जल्दी ही इसमें उबाल आ गया है। जैसे उबाल आ जाए इसमें हम डाल देंगे शक्कर। ये 1 लीटर दूध में हमने 1 कटोरी शक्कर ली है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये शक्कर जल्दी ही घुल जाएगी। साथ ही हम डाल देंगे इसमें चावल। चावल भी हमने इसमें मिला दिया, और अब इसे हम मीडियम आंच पर करीब 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट में चावल अच्छे से पक गया है, और देखिए खीर भी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। दूध और चावल एक में आपस में मिल गया है बहुत अच्छे से। आप चावलों को एक बार देख लीजिए अच्छे से पक गया है या नहीं। अगर वो पक गया है तो समझ लीजिए खीर तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मेवे। और साथ ही इलायची का जो पाउडर है वो भी हमने पीस कर रख लिया था, तो ये इलायची का पाउडर भी इसमें मिला देंगे। तो लीजिए, बहुत ही यम्मी टेस्टी चावलों की खीर तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसिए, या फिर इसे ठंडा होने पर भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे विद कुक विद पूर्णिमा।